सत्वगुण के उपासक और तमोगुण उपासक नागा आपस में कटके मर गए और दिखे थे बड़े साधु संतर माला हाथ मरने उचाले थे कति वहां से आते आते भी माला हाथ में रखे थे। दयावंत विवेक भये ज्ञानी टोक छेड़ करे ते सब लड़ता, ये चुंडित मुंडित पकड़ लिए इनसे जम किंकर ना डरता। अब क्या बताते हैं, कंठी माला सुमरणी ये सभी सिलसिला मेटे, कनफूका गुरुआ मिले जो जम मारी फेंट। कंठी माला सुमरणी ये पैरे से क्या होए, ऊपर डूंडा साध का तन अंतर रख्या खोए। परमात्मा ने कहे यह कंठी माला पैर ली, गुसुमरणी को गल में डालना, एक लोग दिखावा करना परमात्मा निषेध बता रहे हैं। कंठी माला सुमरणी ये पैरे से क्या हो, ऊपर दिख संत है और भीतर रख्या खो, यानी अंदर भक्ति तक होनी, तेरा सतनाम की कमाई नहीं है तो इसलिए बेशक तू ऊपर ते साध का डूंडा ठहरा है, संत बना दिखे, लेकिन यम के दूत जब आओगे तेरे से डरे नहीं गे। ये संसार के लोग तो बेशक अचक जहाँ पे साधु संत बैठे पर वो तो अंदर की कमाई देखेंगे तो उस दिन तेरी दुर्गति होगी। ऊपर डूंडा साध का, ऊपर तो डूंडा ठहरा है भगत पड़ा कति मौला साथ घाल रगड़ में है, और अंतर भी तरते कति तेने खोखा पड़ा है, खाली तेरा भक्ति की कमाई है नहीं। कंठी माला सुमरणी ये टीका टुणमटाल, और छापे तो छाती दिए याजम घाली गाल। आपने देखा होगा को अड़े मुंह का भी ला रहे हैं तलक, छाती पर भी ला लें कि टीके कर नू अंडे कति कच्छे कच्छे में। परमात्मा कहते हैं या तक काल ने तुम्हारा गाल गाल रखी है, तुम धके खाते फिर रहे हो, मूर्ख बना रखा तुम्हारे को। कंठी माला सुमरणी ये टिक्का टुणमन टाले, छप्पे तो छाती दिए ये जम घाली है गाले। कनफूका गुरुआ मेले ये जाने भावन भेद, जम के हलकारे फेरे ये हाथों में लिए बेद। पुण्यात्मा ये काल के दूत थे, काल के जल अलकारे थे, जम के अलकारे थे, जो वेदों ने सच्ची बताओ वेद सही हैं, वेद तो सत्य हैं और उसके विपरीत ज्ञान बतावे थे, ये काल के दूत थे। कनफूका गुरुआ मिलने ये जाने भावन भेद, जम के हिलकारे फेरे ये हाथों में लिए बेद। गुरु काल है ये फांसी दे अड़ाए, मारत है मैदान में यो छलमल बहु बनाए। ये झूठा गुरु काल है और फांसी दे अड़ाए, यानी तुझे फंसा के बैठा हुआ है और मारत है मैदान में, कहते तुझे चौड़े में नष्ट कर रहा है और छलबल बहुत बनाए। झूठे गुरु बहुत हैं ये अनगिन कोट अनंत, सार नाम का भेद बतावे सो सतवादी संत। पहचान बता दी कि ये झूठे गुरु तो नरे हैं, अनंत अनगिन कोट अनंत, और सार नाम का भेद बतावे सो सतवादी संत। झूठा गुरु काल है ये गुरु का धरा स्वरूप, या मैं मीन नमेख है जैसे संभल रूखे। अब इन जम के काल के दूतों का थोड़ा सा प्रमाण देते हैं। जैसे वेदों को तो ये सिर पर रखें और कहते हैं और वेदों के विपरीत ज्ञान देते हैं, जैसे अब थोड़ा सा प्रकरण देते हैं इन काल के दूतों का, जम के हिलकारे फिरें हाथों में लिए वेद। इन काल के दूतों में से एक सुप्रसिद्ध अब कलयुग में जो काल का दूत था यो महर्षि दयानंद था, इसकी अपनी सोच है, अपना जो अनुभव है वो कहता है कि परमात्मा निराकार है और
परमात्मा की साधना से पाप नाश नहीं होते, यानी दुख निवारण नहीं होते प्राणी के, यानी पाप से दुख होता है, पुण्य से सुख होता है। तो जो कष्ट आपके जीवन में आगे तो वो परमात्मा दूर नहीं कर सकता, क्योंकि वो पाप के प्रतिफल है। और पूर्ण परमात्मा कबीर जी कहते हैं, जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, और जैसे चनगारी अग्नि की अपड़े पुराने घास। आग परमात्मा का सच्चा नाम ऐसे फूक देगा तुम्हारे पापों को जैसे सूखे घास नचे 100,000 क्विंटल पड़ा हो। एक माचिस की सींक लगा दो दसा के उसमें जला के सारे का नाश कर देगी। ऐसे ही परमात्मा का सतनाम तुम्हारे दुखों का नाश कर देगा, पापों का नाश कर देगा। और ये कहते हैं कि परमात्मा की साधना से पाप नाश नहीं होते, और वेद बताते हैं कि परमात्मा गौर पाप न भी नाश कर दे। अब देखो, तो ये काल के दूत थे और परमेश्वर की एक वाणी को सिद्ध करने के लिए बहुत से प्रमाण देने पड़ते हैं ताकि आपके हृदय में जचे। यह है सत्यार प्रकाश, यह है मैं ऋषिदानंद। अब इनकी इस एक्ट इस पोज ने देख कर आदमी ने सोचा भाई कति ये तो भगवान से मिल रहे थे, इन्हें कहे का बेरा नहीं था, ये सिर्फ बनावटी थे। ऊपर डूडा साध का भी तिर रख्या खो हुए थे इनमें। ये है सत्यार प्रकाश। और इसमें ये कहते हैं, इसमें लिखा कि वेद आदि विविध सत शास्त्र प्रमाण ही संविंत श्री मत परमहंस परिवराजक आचार्य महर्षि दान सरस्वती स्वामी विरचित है। इसके बारे में सत्यार प्रकाश के बारे में लिखा है कि वेदों आदि सदग्रंथों के आधार से इसकी रचना की है। तो आम आदमी ने इन्होंने सोच लिया भी महर्षि दानंद तो बड़े ज्ञाता थे विद्वान, वेदों के संस्कृत भाषा जानते थे, इसलिए इन्होंने सत्यार प्रकाश में वेदों अनुसार ही लिखा है। ये है प्रकाशक हैं वैदिक यति मंडल दानंद मठ दीनानगर पंजाब से, इनके फोन नंबर हैं। और मुद्रक है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस दानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक से ये छपे हैं। इब सातवें अध्याय समोल्लास में 100 ये देखिएगा 154 पृष्ठ पे, ये इसका सप्तम समोल्लास और सत्यार्थ प्रकाश 154 पृष्ठ। यहां किसी ने प्रश्न किया स्वामी जी से कि ईश्वर साकार है व निराकार, स्वामी दानंद महर्षि दानंद जी उत्तर दे रहे हैं निराकार है। और यहाँ 155 पृष्ठ पे किसी ने पूछा कि परमेश्वर की साधना करने से उपासना करने से क्या भगवान पाप काट देगा, प्रश्न, परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए वा नहीं, महर्षि दानंद ने उत्तर दिया करनी चाहिए। तो प्रश्नकर्ता कहता क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा, या क्या उसके पाप को नाश कर देगा भगवान साधना करने से। स्वामी जी कहते नहीं, उपासना से साधना से पाप नाश नहीं होते। तो फिर प्रश्नकर्ता कहता फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करें, कि फिर इसका लाभ क्या है। उत्तर स्वामी जी कहते हैं उनके करने का फल अन्य ही है। प्रश्नकर्ता ने कहा फिर क्या फल है। अब स्वामी जी विस्तार से उत्तर दे रहे हैं, स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुणकर्म स्वभाव से अपने गुणकर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निर्अभिमानता उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अरे भले आदमी यहाँ तक कह रहा भगवान निराकार, अरे देख बिल्कुल इसके पैरेलल कहते हैं उपासना से परब्रह्म से मेल हो जाए, उसने जा मिले प्राणी और उसका साक्षात्कार यानी साक्षात दर्शन भी हो सकते हैं, फिर निराकार की तरह गया। और जब भगवान पाप नहीं काटा तो भक्ति की जरूरत क्या है। ये थे वो मैं ऋषि जम के अलकारे फिर हाथों में लिए वेद। और देखो इसकी कहीं दिखाओ ना इसको पग उतरेगी, चारों वेद तो इसका नाम कर रखे हैं, इसे फोटो बना बना दे रखे हैं।
अब वेद जैसे पुण्यात्मा कोई वेद की फीतला रहा है, बोर्ड लगा रखा है वेद का, और उसे कोई पूछता है कि वेद जी कि रोगी को दवाई खानी चाहिए कि नहीं, वो कहता खानी चाहिए, तो क्या औषधि खाने से रोगी का रोग कट जाएगा, और वो उत्तर दे वैद्य जी के नहीं रोग तो नहीं कटेगा, फिर औषधि खावे किस लिए, प्रश्न तो ठीक करेगा प्रश्नकर्ता, और उत्तर मिले कि औषधि के खाने से और लाभ है, पहलवान हो जाएगा, अरे मरण लायक रहा है, टीबी बीमारी हो रही है, नहीं होगा पहलवान हो जाएगा। तो ऐसी उल्लेख है इन नकली ऋषि ये काल के दूतों के, ये यम के हलकारे थे, ये काल के हलकारे थे, ये केवल संस्कृत भाषा जाने थे, वेद संस्कृत में लिखे हुए थे, हमने नो सोच लिया हमारे पूर्वजों ने कि ये संस्कृत पढ़ रहे हैं, इन वेदों को ठीक जाना होगा। अब परमात्मा ने 600 साल पहले ये कहा था, जब ही सतनाम हृदय दरो भयो पाप को नाश, और मानो चिंगारी अग्नि की वह पड़े पुराने घास, आग ला दे इस तरह भगवान का सच्चा नाम तुम्हारे असंख्य जन्मों के पापों को ऐसे फूंक देगा जैसे सूखे घास को एक माचिस की तिल्ली फूंक डालती है। और यही वेद बताते हैं। अब किसी ने कोई साबुन विक्रेता का बोर्ड लगा रखा हो और पैक करके बढ़िया पैकेट धरे हो साबुन के, और उसे कोई पूछे क्या साबुन कपड़े का मैल छुड़वा देगा, और वो उत्तर देवे नहीं कपड़े का मैल साबुन नहीं छुड़वाता, तो क्या करता है फिर लाभ क्या साबुन लगाने का, उत्तर मिले कि कपड़े को मजबूत बना देगा तो वो किसा तो साबुन ले रहा होगा, क्या उसने साबुन जिंदगी में प्रयोग किया है, कभी देखा है, स्वप्न में भी नहीं देखा। तो ऐसी व्याख्या थी इस महर्षि की, जिसने भगवान का और ज्ञान के आसपास भी नहीं था। ये अंडरस्टूड है ये दोनों एग्जाम्पल आपको, कि जो वैद होगा वो ये भाषा बोलेगा कि औषधि से रोग नहीं कटे, क्या ये विद्वान होता और वेदों को ज्ञान होता, क्या ये कह देता कि परमात्मा पाप नहीं नाश करता, और वेद कहते हैं घोर पाप को नाश कर दे भगवान। अब देखो यजुर्वेद और खुद अनुवाद कर रहा है, क्योंकि भांग प्यार था इसने पता नहीं तू सत्यार प्रकाश में के लिखा है, यहाँ के लिख रखा है, ये यजुर्वेद है, ये इसी का अनुवाद है पूरा। प्रकाशक हैं इस यजुर्वेद के अनुवाद के सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षिदान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली, ये इनके दूरभाष फैक्स और फोन नंबर है। संपूर्ण 40 अध्याय महर्षिदान सरस्वती कृत अनुवाद इनका किया गया है। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली। इसके 8वें अध्याय का 13वां श्लोक, 8वां अध्याय 241 पृष्ठ पे ये 13वां मंत्र है। इसमें लिखा है देव कर्तस्य एनस्य एव जन्मसि, मनुष्य कर्तस्य है एनस्य एव जन्मसि, पितृ कर्तस्य है एनस्य एव जन्मसि, आत्म कर्तस्य एनस्य एव जन्मसि, एनस्य एव जन्मसि। अब आगे दिखाते हैं आपको इसका अनुवाद, इन्होंने 242 पृष्ठ पे किया है। हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, अब दे स्वामी जी ने यहाँ रुल जा दिया, हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, यहाँ मित्र शब्द लिख दिया, परमेश्वर लिखना था, अब जो सत्यार प्रकाश को पढ़ते हैं वही महर्षि जी को विशेष महर्षि मानते थे। अब उन्होंने वेदों को कभी पढ़ा, कभी सौभाग्य से उठाया तो उसमें लिखा मिल गया कि मित्र, तो उन्होंने सोचा कोई मित्र के बारे में लिख रखा, भगवान के विषय में नहीं। पुण्यात्माओं पीछे ये क्रोथा कांड जो हुआ, जो हमारे को इतना बदनाम किया गया और हमारे को झूठे केसों में जेल में डाला, तो इसका उद्देश्य ये मुख्य कारण यही था कि हमने इस दयानंद की पोल खोल दी, इसके अज्ञान की, और इस आर्य समाज के जो आचार्य थे वो चतुर आदमी थे, उन्होंने सच्चाई समाज तक ना पहुंच जा